रहे हैं मेरे खेमसर में 2 दिन से। अभी कोई कह रहा था कि कोई कार्यकर्ता हूं कि वहां बैठे थे, वहां लाते चला दी उनको, बताओ इन इनके लोगों ने। अब बताओ अभी मैं पाते ठोका हूं ना बजे, और तो कह दो मैं रुक जाऊ, मारो ये मार थोड़ी को आई खाए महाराज। तो कोई नंबर है किसी के पास, न अता न पता है, और उसके हिसाब से दो तो फिर तो मनीष है ना उतना नहीं उनके तो इतना ही निवेदन है आप लोगों से, चुनाव चिन्ह बोतल है, पंचायत के अंदर सब लोग नौजवान भी बच्चे खड़े हैं। मैंने हमेशा नागौर का मान सम्मान देश में बढ़ाया, किसान का बढ़ाया, जवान का बढ़ाया, और आपके लिए जान हथेली पे लेके 20 साल से लड़ रहा हूँ। दूसरे से जो उम्मीदवार है उसको हम लोग लाए थे 9 में, और वही परिणाम सब लोग आज भुगत रहे हैं। बार बार पैसा बहुत है, बार बार चुनाव लड़ने के लिए आ जाती है, इसको न तो कोई जिले से मतलब, न आपकी कोई संस्कृति से मतलब, और न कोई इनके पास अच्छे लोगों की लिस्ट है। आप देखो कि जिस तरह घूम रहे हैं, जो कर रहे हैं, मेरे खेमसर में 2 दिन से अभी कोई कह रहा था कि कोई कार्यकर्ता हूं कि वहां बैठे थे, वहां लाते चला दी उनको, बताओ इन इनके लोगों ने। अब बताओ अभी मैं पाते ठोका हूं ना बजे, और तो कह दो मैं रुक जाऊ, मारो ये मार थोड़ी को आई खाए महाराज। बढ़िया ये गाली गलो, देखो वीडियो रितपाल जी का वायरल हो रहा है, अंडरस्टैंड मां बहन गाले काट रहे लोगों को, ऐसे थे सुने वाला वीडियो नहीं पता। अभी यूं नीची बात क्यों हुई गई, यूं तो काटो थे मरो भाई तुम बहुत गए। हम लापक में बैठा है पूरा निवेदन, पूरी हाजरी, भाषण देने पूरी रात दिया जाओ तो सब आशीर्वाद रखना, मेरी हाजरी सन्नाउड़ा पंचायत में मान लेना। हनुमान जी आए थे, जाकिर साहब आए थे रात को, छोटे भाई मनीष भी आए थे, हम सारी टीम आई थी और वोट की अपील करके गई थी। ज्योति और मेरे में तुलना करना कि दोनों में कौन मजबूत है, कौन ठीक है, और कौन आगे ले जा सकता है जिले को, किसान जवान को, और वोट डाल दोनों में देखोगे तो आपको लगेगा कि आपका भाई मजबूत है। बाया बार बार पी रहे ठीक होने लगे, भाई ने भेजो सासरे और भाई ने भेजो दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। अब स्वागत करा दो।